शादी का दर था। देखने में तो वो बहुत शानदार था, मगर उसका कोई दोस्त नहीं था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना नए दोस्त बनाए जाए। ये सोचता वो जंगल में चला गया। वहां उसकी मुलाकात एक बंदर से हुई।
क्या हाल हो रही है? खैरियत तो है, सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या तो वाकई नहीं बता रहे भाई, जंगल में शेर आ गया है और वो भूखा है, कहता है सबको खा जाऊंगा, भागो। ये कहकर लोमड़ी ने दौड़ और कहा, आप इस सेब को ऐसे
लिए। उसे यकीन था कि अब उसे कोई नहीं देख रहा। उसने सेब काटा और खा लिया। वो अलमारी के अंदर गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसे यकीन था कि अब उसे कोई नहीं देख रहा। उसने भी सेब काटा और खा लिया। सबसे छोटा बेटा, तो वो जंगल में गया, लेकिन वो जानता था कि अल्लाह वहां भी मौजूद है। वो पहाड़ की चोटी पे गया, लेकिन वो जानता था कि अल्लाह वहां भी मौजूद है। वो इधर उधर गया, लेकिन वो जानता था कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। वो सेब ना खा सका। वो जानता था कि वो जहां कहीं भी हो, अल्लाह उसे देखता है। वो घर गया और अपने अब्बू को सेब वापस कर दिया। वो इन्हें सिखाते हैं कि अल्लाह हर चीज को पैदा करता है। वो इनको सिखाते हैं कि अल्लाह पहलवान